बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं। मार्केट की टाइमिंग जो है वापस 8 बजे तक, एक दिन की छुट्टी थी सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, कारोबार रात 8 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग नहीं होगी, आउटडोर की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं सेहत के साथ लोगों के रोजगार की भी हिफाजत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म की जान को खतरात हैं मगर वो परवाह नहीं करते। फवाद चौधरी का समा कोतहल का खेज इंटरव्यू, बोले मरियम और बिलावल विरासती जायदाद की वजह से पार्टी लीडर्स नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मीडिया के कुछ लोग मिलकर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। निजाम करप्ट हो तो एक तबका अमीर तरीन, दूसरा गरीब हो जाता है। करप्शन करने वाले बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने चले जाते हैं। आज लोग अमीर हैं और मुल्क गरीब है। तब्दीली कानून की बालादस्ती से आ सकती है। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क के पीछे रह जाने की वजह बताने के साथ हल भी बता दिया। वजीर आजम हाउस किराए पर दस्तियाब है। हुकूमत ने वजीर आजम की सरकारी रिहायशगाह को यूनिवर्सिटी के बजाय आमदन का मुस्तकिल जरिया बनाने का फैसला कर लिया। वसीओ अरीज लॉन और इमारत सकाफत फैशन और दीगर तकरीबात के लिए किराए पर दी जाएगी। तिजारती इस्तेमाल के लिए 2 कमेटियां बना दी गई। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान का कत्ल केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल। एएनपी कारकुनान ने इतराफ जुर्म से इनकार कर दिया। 9 अगस्त को वकला हतमी दलाइल देंगे। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर जेरे तामीर मकान की छत गिर गई। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। खवातीन और बच्चों समेत 5 जख्मी भी हुए। और गुजरात के इलाके मुस्लिम आबाद के घर में गैस सिलेंडर फट गया। 2 अफराद जां बहक, 6 जख्मी हुए। घर के करीबी मकानात और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा।